बड़ी खबर जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट लैंडिंग में फेल हुई है। दिल्ली से आ रही फ्लाइट के लैंडिंग फेल होने की जानकारी मिल रही है। लैंडिंग में दो बार फ्लाइट फेल हो गई, तीसरे प्रयास में सक्सेस लैंडिंग हुई है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने इसे रूटीन घटना बताया, कहा कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, अधिकारियों की अनुमति के बिना फ्लाइट लैंड नहीं होती है। सफल लैंडिंग के बाद फ्लाइट दिल्ली लौट गई है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट लैंडिंग फेल हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जोधपुर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो करीब दोपहर दो बजे जो दिल्ली से फ्लाइट आई थी AI-475, जब वो रनवे पर लैंड करने लगी तो उसकी लैंडिंग फेल हो गई। करीब बात करें तो 1200 फीट एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद जब वापस फ्लाइट नीचे आई और उसने रनवे को छूकर वापस जो लैंड करने का प्रयास किया दूसरी बार, तब भी उसकी लैंडिंग फेल हो गई। तब वापस जब उसे हवा में उड़ाया गया तो अंदर बैठे यात्रियों में घबराहट पैदा हो गई और एक बार वो सहम गए। लेकिन हालांकि अगर बात करें तो तीसरी लैंडिंग जो है सफल हुई थी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, वो वापस जो है यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है दिल्ली के लिए। और लेकिन इसको रूटीन घटना जो है वो अधिकारी बता रहे हैं, उनका मानना है कि जो संबंधित विभाग से जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक जो है उसे रनवे पर जो है उतारा नहीं जाता। लेकिन बात करें तो दो बार जिस तरह से प्रयास किए गए और दो बार जो लैंडिंग फेल हुई उससे कहीं ना कहीं यात्रियों में घबराहट का माहौल था, और जब सफल लैंडिंग तीसरी बार में हुई तब नहीं जाकर यात्रियों ने जो है राहत की सांस ली। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए।